Currently, I'm working at Asiabim, it's an MNC company, and previously they like we had a partnership with the Monarch. Monarch is a very big company, and now they are separated. And I'm working at the profile of BIM engineer, and getting like 4.5 to around 6. हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों? मैं हूं कस्टमर टर, आप देख रहे हैं सेल्फ हियरिंग। गाइस आप सब देख रहे होंगे मेरे साथ कोई एक शख्स आपको दिख रहे हैं। तो गाइस ये पॉडकास्ट की एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारे बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो कि बड़े बड़े एमएनसीज में वर्किंग है, हम उनके साथ आपको रूबरू कराने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात की उनको उन्होंने कैसे अपने आप का अपना करियर को सेटल किया, उसको आप देखिए और समझिए कि हाँ यार ये चीज़ें तो हम भी कर सकते हैं, हम भी तो यहाँ थे। बहुत सी चीज़ें आप एक दूसरे से कोरिलेट करेंगी। पॉडकास्ट की सीरीज़ आप लोगों की फरमाइश थी, उस फरमाइश पर हमने टारगेट किया है 20 पॉडकास्ट का। और बहुत अच्छी बात है कि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, मीन्स जो हम रिलीज करने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ हो सकता है आप सबके लिए। और इस समय जो जिसको आप देख रहे हैं, ये हैं अश्विन, हमारे अप्रैल बैच के, मीन्स अभी जस्ट बैच इनकी फिनिश हुई है, इस बैच के एक्सेस स्टूडेंट एंड ही इज वर्किंग समवेयर। अब ये अपने बारे में खुद से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो गया। अश्विन, पहले तो आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका यूनिक्सिविल के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। And previously they like we had a partnership with the Monarch. Monarch is a very big company, and now they are separated. And I'm working at the profile of BIM engineer, and getting like 4.5 to around 6. This is my not like he don't want to reveal not, the package. You can reveal the actual amount actually. But actually amount. I know you can be just do the sum of that. ठीक है, तो इट्स गेटिंग मोर देन 4.5 लाइक पैकेज एंड लाइक ऑफिशियली, एंड देयर आर सम अदर टर्म्स आल्सो, बट डेफिनेटली मींस ही इज गोइंग गुड बिकॉज़ ही कैसे करियर को स्टार्ट किया, आइए ब्रीफ में समझते हैं। पहले अश्विन से, अश्विन थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि अभी एग्जैक्ट आपका वर्क प्रोफाइल क्या क्या है, मींस वर्क की रिस्पांसिबिलिटी क्या क्या मिली है, क्योंकि जस्ट आपने ज्वाइन किया ये न्यू कंपनी। ओके, सो डायरेक्टली जो मतलब जैसे मैंने बताया कि जो कंपनी है वो सेपरेट हुई है, तो वी आर ऑल आर इन द लीड टीम, मतलब लीड प्रोफाइल पे हम लोग BIM इंजीनियर एज अ प्रोफाइल, एंड मैं हूं और एक चार लोगों की और टीम है स्पेशल, मतलब जो लीड पे हैं प्रॉपर। सो वी आर वर्किंग ऑन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन यूके एंड गल्फ स्टैंडर्ड्स, सो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल थी फॉर मी बिकॉज आई हैव 2+ इयर्स ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टैंडर्ड्स ओनली। सो बट आई डोंट हैव टच लाइक आई टच वुड आई डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ अबाउट हाउ टू डू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड एनीथिंग, because basically they work in timber structures only, they don't use concrete and the steel also, so it's very challenging and new for me. Like as we converged, sir, ki sir mai se to hone wala nahi hai, but you motivate me, nahi Ashwin, you can do it, this is new for this, take it as a challenge. And talking about my previous things, I have 2 years of experience, like I have 23 pass out, recently pass out, but I have joined my fifth semester से work कर रहा हूँ as a designer, basically पहले designer था and interior, then PV में मैं internship की हुई है, PV structure में, pre-engineering sites में, as a execution engineer, as a site engineer, so I know the pain of site engineers that they are watching, so मुझे पता है वो pain क्या होता है कि 16 hours, 24 hours आप एक site पे हैं, casting हो रही है, so बहुत बहुत टफ जॉब होती है वो, और मुझे वो नहीं करनी थी, ठीक है, आई वांट समथिंग डिफरेंट, कि नहीं मैं कुछ डिफरेंट करूं, सो समवेयर आई गॉट टू नो अबाउट दी आकाश सर, सर यूज्ड टू ट्रेन द पीपल्स इन BIM इंडस्ट्री, सो आई कनेक्ट विद सर, एंड बिफोर दैट आई वर्किंग एज अ BIM मॉडलर इन एन इंफ्रा कंसल्टिंग एसोसिएट, सो एज अ 3.5 पैकेज दैट वाज ओके ओके पैकेज, उसमें भी हमने सर ने थोड़ा झोल किया था। अच्छा अश्विन, मैं ये कभी पूछा नहीं मैंने आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आपको मींस अपने यूनिसेल प्लेटफॉर्म का जानकारी कहाँ से मिला था, मींस एनीवन सजेस्ट यू और फ्रॉम गूगल सर्च, कहाँ से आपने जानकारी लिया था? ओके, सो मैं भोपाल में जॉब कर रहा था एज अ डिजाइनर, सो
सो दैट कंपनी यूज टू वर्क इन हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन ओनली, मतलब मेडिकल फील्ड रिलेटेड ओनली, ठीक ओके है. तो बट समथिंग हैज हैपेंड इन माय फैमिली, सो आई हैव टू लेफ्ट एवरीथिंग एंड केम बैक टू होम. सर यू नो अबाउट दिस. यस सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, लाइक रिमोट जॉब. सो आई वाज स्क्रोलिंग डाउन एवरीथिंग, लाइक आई डू हैव एंबिशन टू गो अब्रॉड एंड स्टडी देयर, लाइक एज आई टोल्ड यू सर बिफोर. सो आई वाज सर्चिंग एवरीथिंग एंड समवेयर आई गॉट टू नो अबाउट द बिम. And the first page is about ओ your Unisivil platform, in the YouTube platform only. I am aware about गॉट this इट thing via YouTube. And before this, like मैंने बहुत सारी और भी जो इंस्टीट्यूशन है उससे कांटेक्ट किया एंड पता तो उसकी फीस काफी हाई है. दे आर चार्जिंग अबाउट, मतलब मैं नाम यूज नहीं करूंगा, बट 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बट एंड पढ़ाते कुछ नहीं है. मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो नहीं बस ऐसे वो बस एक मतलब सर्टिफिकेट, जैसे ऑटोडेस्क का सर्टिफिकेट होता है ना सर, कि बस मिल जाता है. तो दे आर गिविंग ओनली द सर्टिफिकेट इन 2 लाख एंड हैव जीरो नॉलेज अबाउट द बिम एंड बस ऐसा वो है नाम करना का कारण. हम लोग के लिए ऐसा करना थोड़ा सा कम रेपुटेड होगा. देखो कैसे होता है अश्विन की, जो मैं मानता हूँ ठीक है कि लाइक इफ गो समवेयर ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली टीच यू, दे आर गोइंग टू हायर समवन एंड वो आपको टीच करने वाले हैं ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो कैसे होता है कि आपके घर में मैं जाऊं ठीक है, और अगर आपका नौकर हमें बोले कि आप बैठिए, तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होगा कि यार हम काफ़ी नीचे हैं. और उसके जगह आप या फिर आपके पिताजी बोलते हैं या फिर आपके माताजी बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट. तो क्या बोलते हैं, अगर वो हमें ग्रीटिंग्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा. तो इसमें हमें क्या होता है सर कि मैं इसी से एक चीज ऐड करूं, हाँ हाँ जस्ट जैसे जस्ट आपने मुझे कॉल किया कि अश्विन एक पॉडकास्ट अपन वी आर शूटिंग, सो यू आर दी गेस्ट. तो जब मेरे फ्रेंड ने वो कॉल पे आपका नाम लिखा, तो ही वाज लाइक कि सर ये आकाश सर का फोन है तेरे पास? मैंने कहा हाँ, क्यों? तो बोले जनरल सर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, सबसे फोन कर लेते हैं. मैंने सर का नहीं सर ये ऐसा है, तो सर डायरेक्टली कॉल कर लेते, कोई कोई फोन नहीं करता उनके अलावा, कोई इनके बिहाफ में फोन नहीं करता कि सर ये बोल रहे हैं, वेरी फ्रेंडली. ठीक है. तो वो भी थोड़ा सा शौक था, वो देखा रहा मुझे अच्छा लगता है. मे बी ही इज वर्किंग इन योर कंपनी और लाइक इज यार. फ्रेंड. हाँ ही इज ऑन द सेम प्रोफाइल. ओके, ही नो मी, दैट मींस उसने देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियो हाँ मेरा. ही नो अबाउट. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कनेक्ट करने से, देखो मैं जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने क्या बोला कि देखो यार मेरे पास कोई क्वेश्चन का लिस्ट नहीं है कि हम क्या पूछेंगे. मैंने ये बोला ना, हम जस्ट रॉ बातें करते हैं और वो रॉ. अब मुझे पता है क्या, उस दिन ना जब अश्विन, वैसे भी आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपके बैच में जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपका भी स्थान है, आपको पता है ये चीज़. तो आप जब उस दिन कम्युनिकेट कर रहे थे ना अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे आपने अप्लाई किया, तो वहीं से मुझे क्लिक हुआ कि मुझे अश्विन के साथ पॉडकास्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनको जो भी मैंने चीज़ बताई उसको बहुत अच्छे से इन्होंने इंप्लीमेंट करके रिजल्ट दिया. और आप एक पहले कैंडिडेट हैं जो कि इससे पहले एक अभिषेक करके स्टूडेंट थे, उन्होंने एक एट अ टाइम चार चार पाँच पाँच सिलेक्शंस लिए थे. और उस कैटेगरी में सर अगर मैं टोटल टोटल सिलेक्शन नाउ 7. हाँ उस कैटेगरी में मैं आपको देखता हूँ कि आपने 7, मतलब टारगेट ओवर 7 सिलेक्शन एक ही इंटर्नशिप में अगर आपने अचीव किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें ना पाथ का बहुत बड़ा रोल रहा है कि आपने एक सही पाथ पे जाके लिंक्डइन जैसे भी आपने किया, अभी हम लोग उसको ब्रीफ करने वाले हैं. तो मुझे लगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचनी चाहिए और रॉ फॉर्म में पहुँचनी चाहिए जैसे अपन किए हुए हैं ना. तो उसमें वही जनरल कन्वर्सेशन टाइम पर और हम लोग उसको कंप्लीट नहीं किए उस क्वेश्चन को, कि और जो बड़े बड़े पैकेजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है ना, उसमें उनकी गलती नहीं है ठीक है. जो भी एक चला रहे हैं, जो भी 2 लाख, 2.5 लाख, उनकी भी क्या प्रॉब्लम है कि उनको, उनके पास एक बड़े बड़े MBA होल्डर्स हैं ठीक है, जिनको उनको बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर करने हैं, 10 लाख, 20 लाख. अब जब किसी को 10 लाख वो देते हैं तो बोलते हैं टारगेट 1 CR, 2 CR ठीक है. तो उनके पास वो नंबर्स होते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए. एंड जब किसी को अपना भूख मिटाना है ना, तो कैसे भी करके आपको कैप्चर करके, हम ऐसे जगहों से काफ़ी हद तक मैं भी जानता हूँ डेप्थ में, तो थोड़ा सा मार्केटिंग एड आ जाता है. और अपने केस में क्या होता है, मतलब कि मैं तो मार्केटिंग, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ मार्केटिंग से अच्छा है अश्विन किसी को रिफर कर दे, साहिल किसी को रिफर कर दे. वो कैसा होता है, बहुत इजी टू टॉक होता है. और जैसे कोई कॉल करता है, सर मुझे अश्विन ने नंबर दिया है, मैं बोलता हूँ मैं अब कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, वो सामने वाले से पूछ लो. आपका ये फी प्रोसेस है बहुत नॉमिनल सा फी, और फी प्रोसेस रखने का बहुत कम रीजन रीजन क्या है कि जैसे अभी आप बोले थे ना साइट इंजीनियर का पेन, वो पेन मैं भी जानता हूँ. देखो बेचारे कैसे पे करेंगे इतने बड़े बड़े अमाउंट, ऑलरेडी
कॉलेज ने, प्राइवेट कॉलेज ने एकदम चूस रखा है उनके पूरे फैमिली का पूरा पैसा सेविंग्स, और उसके बाद अगर वो 2-2.5 लाख रुपए और देंगे मुझे, मुझे थोड़ा सा वो मतलब अच्छा नहीं लगता है। और मैं उसी उसी पेन की वजह से मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था 3 ईयर पहले, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो उसी समय मुझसे बहुत लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था और वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और फिर मुझे लगा है यार मैं कर सकता हूँ ये, तो इसको हम लोग करते हैं और कंटिन्यू किए। अब चलो मैं बोलूँगा ये ठीक नहीं है, आज पॉडकास्ट तुम्हारा है, तो यू आर द गेस्ट। पहले अश्विन आप डिस्कस करो सबसे कि आपने अप्लाई करने का क्या प्रोसेस किया, कि आपने 4 महीने के इंटर्नशिप में 7 ऑफर लेटर गेन किए, उसका थोड़ा सा ट्रिक बताओ सबको। स्टिल गेटिंग कॉल्स हैं सर, मतलब 7 ऑफर हो गए हैं, अभी भी कॉल्स चालू हैं, बहुत बढ़िया। जनरली कॉल्स चालू हैं। तो मैं इसके पहले सर, आपने जो अभी बताया ना फीस को लेके, तो एक इशू ये था कि ऐसे मैं बताया कि मैं कम पैकेज में था काफ़ी, तो मैं 25% ऑफ माई सैलरी लाइक जो भी अमाउंट अपनी इसका इंटर्नशिप का आता है मैंने वो उसमें जाता था, मतलब इतनी कम सैलरी थी। देन उसके बाद आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट एवरीथिंग लाइक होम रेंट एंड ऑल, तो काफ़ी वो मतलब मैं भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से ही आता हूँ ऐसा हाँ कि। मुझे पता है। नहीं हाँ अंकित ने तो मुझे एक बार एक मतलब दो बार मैंने बताया भी, भी, अंकित ने मुझे एक दो बार बताया था, हाँ हमने हमने बोला कि जो अपने तरफ से सपोर्ट हो सकता है यू कैन डू, तो मतलब वो किया उसने फिर। हाँ आगे बताओ। तो मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से जैसे साइट इंजीनियर का पेन जैसे मैंने बता ही दिया था। तो हाँ जैसे कमिंग अप ऑन दी अप्लाइंग पर्पस, तो जैसे आपने मुझे फर्स्ट पहले क्लास में जब ब्रीफ करते हो कि दीज आर ऑल कंपनीज, मतलब आपने दिस इज द प्रोसेस लाइक हाउ यू बिल्ड योर लिंक्डइन अकाउंट एंड गो ऑन नौकरी एम्बिशन एंड इस पे से बाद में आएंगे जो फ्रीलांसिंग वाला है, देन वो छोड़ के कैसे अप्लाई करना है, मेल्स हाउ टू डू मेल्स, हाउ टू डू बिल्ड कनेक्ट्स एंड लाइक रेस्ट दिस प्रोसेस। तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे जो जनरली लोग करते हैं स्टार्ट, दे यूज टू लाइक कुछ नहीं करते, लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इजी अप्लाई बटन जो लिंक्डइन ने दे रखा है उसका कोई यूज नहीं है, कुछ नहीं होता उससे, डायरेक्टली जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं और दे आर थिंकिंग विदाउट एनी पोर्टफोलियो, विदाउट हैविंग एनी पोर्टफोलियो, विदाउट लाइक 8 years स्पेंड रिज्यूमे, जो कि जनरली कोई भी रिज्यूमे पढ़ता नहीं है अभी, मतलब अगर हार्ड कॉपी में है तो एक बार देख भी लेगा कि हाँ क्या लगा हुआ है, कैसे फॉन्ट है, बट लेकिन अगर वो सॉफ्ट कॉपी है तो कोई भी नहीं देखता, वो मतलब नाम भी नहीं पढ़ेंगे आपके पोर्टफोलियो में, आपने क्या लिखा हुआ है रिज्यूमे में, क्या लिखा हुआ है। तो विदाउट बिल्डिंग एनी लाइक 8 years स्पेंड रिज्यूमे दे यूज टू अप्लाई एंड दे थिंक कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई गेट द जॉब, सो दिस इज लाइक यू गेटिंग जीरो, इफ यू आर डूइंग दिस स्टॉप डूइंग दिस, दिस इज नॉन सेंस, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है। सो यू टोल्ड मी अबाउट कि हाउ एंड एट विच टाइम यू हैव टू अप्लाई, तो वो सर वो ब्रीफ बताना है यस यस कि पूरा पूरा ब्रीफ बताना है, ये तो ओके इम्पोर्टेंट ओके है। ओके। सो रदर देन अप्लाइंग ऑन इजी बटन, हिटिंग ऑन इजी बटन, आई यूज टू बिल्ड द कनेक्ट्स, लाइक अगर आप जीडी अच्छे से पढ़ो तो उसके आसपास, या फिर वो कहीं मेंशन करते हैं कि हाँ मतलब जो एचआर की प्रोफाइल है या फिर एचआर का जो ईमेल आईडी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा गो थ्रू, मतलब मैंने भी ये गलतियां करी हैं कि मैं वो गो थ्रू नहीं करता था, वो उसके पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुआ था, मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था सर मैं इतनी जगह अप्लाई कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है इनिशियल स्टेज पे, सर आफ्टर 1 month तो यू टोल्ड मी कि आपने बोला कि मुझे कॉल करना है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे कर रहे हो, तुम क्या गलती कर रहे हो मुझे पूरा बताना है, ठीक है। तो फिर वो हुआ, देन मुझे रियलाइज हुई कि दीज आर मिस्टेक्स, दीज आर वेरी सिली मिस्टेक्स आई एम डूइंग, तो आई हैव टू स्टॉप दिस एंड लाइक केम बैक ऑन द राइट पाथ, बिकॉज वी आर हेयर टू बिल्ड आवर करियर, बिल्ड एक्चुअली अ गुड थिंग rather doing any like nonsense stuff. You told me about this कि मैं 80% से ज्यादा अगर attendance है तो ही मैं मेरी internship का वो देता हूँ, अगर 80% से 1% भी काम है तो मैं मेरे internship का certificate भी नहीं देता हूँ, ठीक है। मॉक अगर आपके अटेंड नहीं है 70-80% से ज्यादा तो उसमें भी नहीं देता हूँ, मॉक स्पेशली मॉक में, ठीक है। तो वो फोर्सफुल मतलब मेरे लिए बहुत, आपको पता है जनरली मैं ऑफिस से आता था दिन वैसे ही बैठना पड़ता था क्लास के लिए एंड उसके लिए कभी कभी तो हाँ काफी हेक्टिक था वो, दीज आर पास नाउ, मैं वो तो एज अ लर्निंग लेता हूँ आप वैसे भी जिम जाते एवरीथिंग हो, इज आप वैसे भी जिम जाते हो, अगर मेहनत तो नहीं होगा तो बॉडी का कोई सेंस ही नहीं बनता है, बनेगा ही नहीं, ओके। कोई नहीं, वही विदाउट करियर का भी है। विदाउट डूइंग मेहनत एंड विदाउट डूइंग हार्ड वर्क और ऑन अ राइट पाथ, मतलब इन अ राइट डायरेक्शन, दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट लाइक
सबसे अच्छी थिंग है ये कि आप मेहनत तो कर रहे हो बट किस वे में कर रहे हो, किस पाथ पे कर रहे हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मेहनत सभी करते हैं, हार्ड वर्क, बट नाउ थिंग टू डू हार्ड वर्क विद द स्मार्ट थिंग रदर देन डूइंग ओनली द हार्ड वर्क। तो मैंने लिंक्डइन पे स्टार्ट की चीजें, कनेक्ट स्टार्ट किए, एंड जो कंपनीज हैं जिस जो आपने लिस्ट प्रोवाइड की थी, कुछ कुछ मैंने खुद सर्च करके, बेसिकली दिस थिंग इज लाइक जब स्पून फीडिंग मिलती है ना सर सबको, जैसे आपने पहले कुछ नहीं दिया कि तुम लोग ढूंढो कि अपना रीच कहाँ तक है, मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन तुम लोग को वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी अगर मैं वो सब कुछ एज अ आपको प्लेट में दे दूंगा, रिव्यू ऑन द प्लेट, तो यू हैव नो वैल्यू फॉर दिस और फॉर दैट। ओके, तो मैंने वो खुद सर्च करी सारी कंपनीज, मेरे पास अभी भी वो लिस्ट है 25 टॉप कंपनीज की जो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो लिस्ट बनाई, गूगल किया, जनरली सब सब गूगल पे मिलता है, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं, सब गूगल पे मिलता है, गूगल पे से सर्च किए, 25 कंपनीज में कनेक्ट बनाए सारे एम्प्लॉय से, उनके लीड प्रोफाइल से। जनरली पहले ऐसा होता था, मैं एक गलती और करता था जो मुझे अभी थोड़े दिन पहले रियलाइज हुई कि जो मेरी सेम प्रोफाइल के लोग हैं ना उनको कनेक्ट भेज करता रदर देन सेंडिंग द लाइक कनेक्ट फ्रॉम द हायर प्रोफाइल्स, क्योंकि उनका रेफरेंस ज्यादा मैटर करता है क्योंकि वो लीड प्रोफाइल पे है। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी एज के होंगे या फिर मेरी प्रोफाइल के हैं तो वो समझ जाएंगे, बट उन्हीं एक कनेक्ट में से समवन टोल्ड मी कि यू हैव टू गो विद द लीड प्रोफाइल। ओके, इफ लीड प्रोफाइल गिव यू द रेफरेंस तो द वेटेज ऑफ दिस दैट रेफरेंस इज समथिंग एल्स। ठीक फॉर बेटर। है, प्रेफरेंस पे आ गया। ठीक है, इसी में मैंने मैकडोनल्ड में रेफरेंस लिया, रेफर हुआ हूँ जो एज अ सर उसमें तो एसओडी की प्रोफाइल हो रही है अभी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ अरे वाह, क्या बात है, टच बोर्ड बहुत अच्छी बात है। और देखो कहीं ना कहीं सही सही बात तुमने बोला कि जब हम हायर एम्प्लॉय से बात करते हैं ना डायरेक्ट, तो कैसे होता है कि सब से उसने एचआर को एक बार बोला तो एचआर को भी वेटेज बढ़ गया, ना आई नीड टू डू दैट क्योंकि मेरे जॉब का सवाल है। ठीक है, तो एचआर का भी वेटेज रहता है एक कम्पेयर टू जो सिंपल एम्प्लॉय। और सबसे बड़ी बात की कम्युनिकेशन करते हैं ना कि हर चीज़ का जो जरिया है, मतलब लोग बोलते हैं ना लड़ाई झगड़ा का भी अगर सॉल्व करना बड़ा आसान तरीका है, यू नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये और लिंक्डइन, ये मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है सुन कि आपने बोला कि सर आपने क्लास में बोला था कि लोगों से कनेक्ट बना के कम्युनिकेट करना है, तो उस समय मुझे लगा ये क्या ही होगा इससे कनेक्ट बनाने से, और फिर आपने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो रिजल्ट व्हाट यू गेट ना वो आपने डिस्कस किया था बाई कॉल, तो मुझे लगता है कि मतलब वो आपका बहुत अच्छा स्टेप था। तो आपका एक स्टार्टिंग में इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि मैं व्हाट आई एम डूइंग दिस इज रेलेवेंट और नॉट, लिटरली सर आई एम वेरी सेइंग सेइंग वेरी ऑनेस्टली, मुझे स्टार्टिंग के कुछ एक दो वीक तक ऐसा लगा कि क्या ही हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग समवन टू रेफर मी, दिस इज लाइक थोड़ा सा ईगो पे लगता है वो। ईगो पे लगता है हाँ, बट यू हैव टू साइड योर ईगो एंड गो ऑन द राइट पाथ, राइट पाथ। तो हाँ, तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड अभी तो काफी मतलब जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनसे भी अच्छे कनेक्शन हैं एंड दे आर रेडी कि हाँ आप एक एक्स अमाउंट तक अपना एक 4 से 5 साल तक आप जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट करें, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क विद अस, बिल्कुल बिकॉज वो थोड़े से अलग स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट लेवल पे वर्क करते हैं। तो मैं भी तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं उस हाँ लेवल पे हाँ हूँ हाँ चलेगा बिकॉज आई एम लर्निंग। करेक्ट। नहीं मुझे ये अच्छा लगा सुन कि आपने लिंक्डइन का सही उपयोग एक्चुअली समझ पाए आप, तो इसीलिए मैं ये चाहता था कि ये पॉइंट को पहले मैं हाईलाइट कर दूं, क्योंकि कुछ लोग कैसे होते हैं उनका पेशेंस इतना देर तक सुनने का नहीं होता है, वो निकल जाएंगे, तो एटलीस्ट वो भी घर पे कुछ लेके जाए। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है, जो लेके गए तो उनका कैरियर सेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जैसे कि बात करते हैं अपने गुरुकुल का, तो आपको डेफिनेटली आप अपना फीडबैक मैं चाहूँगा आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना कि गुरुकुल का क्या मीन्स अपना जो बैच है गुरुकुल उसके बारे में, उसकी जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि हम लोग एमसीक्यू, ठीक है, कैट टेस्ट या फिर जो रिटन टेस्ट या फिर जो मॉक इंटरव्यू करते हैं, उसका थोड़ा सा आप फीडबैक दीजिए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ यार ये तो एक कंप्लीट स्टेप हो सकता है, राइट पाथ हो सकता है, रॉन्ग पाथ हो सकता है, जो भी आपको ऑनेस्ट रिप्लाई लगता है आप प्लीज बताइए सबको। ओके सर, मैं ऑनेस्ट रिप्लाई में एक लाइन सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा जो आपने मुझे बोली थी व्हेन आई वाज मैं अप्लाई कर रहा था कि मैं मतलब मैं सोच रहा था कि मैं गुरुकुल में एनरोल करूं, सो यू टोल्ड मी आपकी मेरे से डायरेक्ट बात होगी, मे बी शायद आपको याद नहीं होगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट आपकी बात होती रहती है एंड वो काफी पुरानी बात है तो मुझे नहीं लगता आपको याद होगी, बट आई डू रिमेम्बर दिस थिंग क्योंकि उसी एक क्लाइंट की वजह से आई यूज टू एनरोल इन गुरुकुल। ठीक है, सो यू टोल्ड मी इफ यू हैव 20% ऑफ ट्रस्ट, 20 एटलीस्ट 20 और लेस देन 20% ऑफ ट्रस्ट जस्ट एनरोल,
एंड रेस्ट थिंग लीव ऑन मी, बस जस्ट डू डू दिस थिंग ओनली कि अटेंड क्लास एटलीस्ट 80%, योर अटेंडेंस विल बी ऑन 80%, देन रेस्ट थिंग लेफ्ट ऑन मी, लाइक लीव एवरीथिंग ऑन मी, आई विल डू, आई विल सजेस्ट यू द राइट पाथ, बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू लाइक आपको चलना आपको ही पड़ेगा, मैं राइट पाथ बता दूंगा, कुछ दूर चल भी दूंगा लेकिन जाना आपको ही पड़ेगा. तो आपने मुझे ये कहा था, मे बी शायद आपको याद नहीं होगा, शायद नहीं याद है. तो मुझे वो याद था, मैंने इसकी वजह से इनरोल हुआ, अच्छा, इसी वजह से मैं इनरोल हुआ. एंड इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर जी दूं, टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटीज वी आर डूइंग. हां थोड़ा सा अगर नेटवर्क के उसमें हम लोग हैं क्या, थोड़ा आप वाईफाई से कनेक्ट हो या फिर मोबाइल डाटा से, बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, अगर वाईफाई है तो ओके, और अच्छा, और मैं अच्छा जस्ट अभी रहेगा. वाईफाई से कनेक्ट. हाँ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है. बस थोड़ा सा बीच में ना, जैसे कि आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ भी बोल रहे थे, थोड़ा कम कट जा रहा था, अगर कनेक्टिविटी बन जाए तो ऑन कर दीजिए, अब सही है. एक्चुअली सर वेरी फैन एरिया, मतलब अहमदाबाद से मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, 15 किलोमीटर, मतलब ये हाँ मोटेरा है तो यहाँ पे बहुत हाईली हाईलीड एरिया है, तो अच्छा, नेटवर्क इशू होता है थोड़ा थोड़ा यहाँ ओके, पे. कोई नहीं, बस इतना, अगर ज़्यादा दिक्कत एंड हो मोदी जी का शहर है, सभी अच्छा, सभी जियो यूज करते हैं, सभी शॉप, जियो यूज करते हैं, कोई कुछ नहीं होता हाँ काफी क्राउडेड है. ठीक है. तो जियो वहाँ फ्री है कि नहीं है, क्योंकि उनके दोस्त का सिम है. ठीक ऐसा कुछ नहीं है, स्टे तो करना पड़ता है. है, अभी मैं देख रहा था आज मेरे रिचार्ज खत्म हुआ, तो काफी कॉस्टली रिचार्ज हो गए अभी हर कंपनियों के लगभग. हाँ, मतलब उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है सारे, बहुत हाँ बहुत इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, चलो अभी हम लोग अपने स्टूडेंट्स के पॉइंट, लिए काफी मुश्किल है. यस, अपने पॉइंट पर आ जाते हैं. तो आपने बोला कि ये तो मुझे एक्चुअली यही नहीं आता, बट चलिए थैंक यू याद दिलाने के लिए, क्या मैंने क्या बोला आपको. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, सुन, जैसे कि जो लोग बहुत साफ होते हैं ना, जैसे कि मैं ना, मतलब थोड़ा मैं अपने काम को लेकर बड़ा साफ हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे सफाई देना मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं बताऊँ कि नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ, ये वो, ठीक है, दुनिया में सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, हम लोग अपने काम को ईमानदारी से करने में कोई पीछे नहीं है ना, तो इसलिए जब इंसान साफ रहता है तो उसे सफाई देने का मन नहीं करता है. इसलिए मैंने बोला होगा जल्दबाजी में कि भाई देखो ट्रस्ट है तो आ जाओ, ठीक है, 80% करोगे तो 100% सिलेक्शन है, क्योंकि वो पता है कि एक्चुअली ये हो सकता है और कर रहे हैं दिन भर हम लोग. तो अब आ गया, सुन आप प्लीज़ कंटिन्यू करो. ओके सर, मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा. माय हाँ फादर टोल्ड मी कि जो खाली बर्तन होते हैं, दे यूज टू क्रिएट नॉइज अ लॉट, एंड जो भरे होते हैं उसको आप मारोगे तो वो बहुत बढ़िया, आवाज नहीं आती है. तो करेक्ट, बहुत सही बात बोल हम, हाँ, तो जो एक्टिविटीज की बात करते हैं, जैसे कि मॉक इंटरव्यू, सर सबसे मुझे सबसे इम्प्रेसिव और सबसे वर्थफुल एक्टिविटी जो अपनी गुरुकुल की है, वो फ्राइड मतलब मंडे टू ट्यूजडे, मतलब दोनों के दिन डेज के बीच में कभी भी आपका मॉक इंटरव्यू हो जाएगा, बताया नहीं जाएगा आपको कि आपका मॉक इंटरव्यू है. ठीक है, तो आप कैसे भी हो, यू हैव टू अटेंड. ठीक है, और वो आपके लिए ही होता है वो, अगर आप अटेंड करोगे तो दैट्स वेरी गुड थिंग. देन जो एमसीक्यू जैसे आपने बताया, एंड जो आप पीडीएफ से जो सभी चीजें डिक्टेट करते हो स्टार्टिंग से एंड तक कि हाँ दिस इज दीज आर द बायलॉज, ठीक है, दीज आर दी टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, व्हाट इज टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, हाउ दे वर्क, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती है, व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, व्हाट दे आर रिस्ट्रिक्टिंग, लाइक है ना, जो थ्रू अकाउंट एंड ऑल होते हैं वो डिटेल्स में, मतलब वो तो टेक्निकल थिंग्स है, करेक्ट, बट आप जिस वे में इसको समझाया. देन जब मैं फर्स्ट आई केम टू एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू राउंड, तो द इंटरव्यू पैनल जो था दे वॉज आस्किंग एक्चुअली दिस क्वेश्चन ओनली. ये तो मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, इसके लिए प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं इतना थोड़ा सा कॉन्शियस था कि कुछ इश्यू जाएगा. ये तो बहुत इजी है, तो सारे आंसर्स दिए. एंड कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं जो कि जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वो एक्चुअली होते भी है, कुछ क्वेश्चन पूछते भी इसलिए है कि आपको वो ना बने. जैसे मुझे अमेरिकन स्टूडेंट्स के जिस कंपनी में कर रहा था, उन्होंने पूछा मुझे, सर क्लियरली आई डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द अमेरिकन स्टूडेंट, आप सिंपली बोल सकते हो सर वी आर पता नहीं नॉट है. चैट जीपीटी, वी आर नॉट चैट जीपीटी के मुझे हर क्वेश्चन का आंसर हाँ करना ये पॉसिबल नहीं होता. नहीं, एक्चुअली सर वो कोशिश भी यही करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस ना बने, ताकि वो आपका कंफर्ट जोन देखना चाहते हैं कि अगर आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो गई चीजें तो आप कैसे हैंडल करोगे. कैसे हैंडल, दे आर टेस्टिंग दिस, और सोचते हैं कि गलत आंसर दे दूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन आंसर तो दूं, बट आप सिंपली उनको मना कर सकते हो कि सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, लाइक अगर आपको पता है लेकिन आप भूल गए हो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और लाइक अगर आपको नहीं पता है सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक नाउ, आई हैवंट टच दिस टॉपिक, बट आई लव टू नो अबाउट दिस थिंग, एंड इफ
कंपनी रिक्वायर्ड, तो मैं जरूर पढ़ूंगा, आई विल लर्न। आप सिंपली उनको एक आंसर दे सकते हो, बहुत इजी है, वो खुद भी अप्रिशिएट करते कि ओके आपका लर्निंग मतलब ईगर टू लर्न प्रोफाइल है, आप लर्न करना चाहते हो, ठीक है, आप कॉन्शियस ना हुए हो, एकदम अनकंफर्टेबल नहीं हुए, दे आर टेस्टिंग दिस थिंग ओनली। एंड द लास्ट जो आपने रिटन टेस्ट करवाया था, तो 6 मंथ तक जो आपने ट्रेनिंग दी, तो जब मैंने वो पेपर मतलब मैंने वो एग्जाम दिया नहीं था क्योंकि मैं ज्वाइन कर चुका था और मैं ऑफिस में था, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग मेरी हाँ 3 to 11 PM है, मतलब अमेरिकन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो आई एम नॉट एबल टू गिव द एग्जाम। तो आई वॉज मैंने ऐसा देखा, मैंने ये तो 80% क्वेश्चन, मैंने उससे आपको कॉल करके बोला भी था सर कि सर आई एम एबल टू सॉल्व द 80% क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे पता है बट एट अ टाइम याद नहीं आ रहा है, अगर मैं सोचने बैठूंगा लिखने के लिए तो मतलब मैं ऑलमोस्ट नाइन्टी ट्राई परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ और सही अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखूंगा, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आप और क्लास में ध्यान दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोई भी, क्वेश्चंस थे, आपने इंटरव्यूज तो काफ़ी दिए अश्विन, मैंने आपके इंटरव्यू से भी मैंने खुद ही बहुत सीखा, जैसे कि आपने भेजा था ना कि सर AI बेस्ड अभी इंटरव्यू हो रहे हैं, बहुत तो इंटरव्यू मैंने आज मैंने कुछ वैसे ही क्वेश्चंस का ट्रिक तैयार किया हुआ है अपने जो अभी करेंट बैच के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए, आज एक MCQ टेस्ट स्टार्ट किया है, अभी इवनिंग में होगा, आज रात में 9 बजे। तो अब देखो मैं कैसे कि तुम्हारा वो फीडबैक लेके मैं उसको लर्निंग के तौर पर लेके अभी उस पर कुछ ट्रायल कर रहा हूँ, तो ये भी बड़ा मतलब कैसे होता है कि मेरी हॉबी है ना, जैसे सबकी एक हॉबी होती है, तुम्हारा भी एक हॉबी है, तो वो हॉबी के बेस पर इंसान को काम करने में मजा आता है। मैं खुद भी अभी सुबह से बैठा हूँ यार, और बेटर कैसे कर सकता हूँ, AI बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, बना के लगभग 50 क्वेश्चन में बना चुका सुबह से, और मैं कैसे गूगल कॉपी नहीं करना है, अपने को बनाना है, तो उसका थोड़ा सा एक तुमने रिटन टेस्ट भी देखा होगा, सब रॉ क्वेश्चंस थे, तो जो सब रॉ एक क्वेश्चंस नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल बना सकते हैं, और शायद इंडियन नॉर्मल क्वेश्चंस लैंग्वेज में, काफ़ी नॉर्मल है। और एकदम ऐसा कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया, एकदम जो जनरल इंग्लिश होती है जो एक्चुअली में आप क्वेश्चन समझ सकते हो कि व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट, एंड एट द सिंपल लैंग्वेज यू हैव टू गिव द आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में कुछ उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आए होंगे जो मैंने रिटेन लिए होंगे या फिर जो मॉक लिए होंगे, तो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से सिमिलर मिल जाएंगे आपको, ऐसा मुझे लगता है। I would say 70 to 80% questions are in the MCQs and the written test only. और 70 to 80% और जो हो गया 20% है मॉक्स, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। और 70 to 80 हो गया सिलेक्टेड हो गया ना, मैं तो खुद बोलता था ना मेरे मॉक में 7 पाए मतलब सिलेक्ट हो। अब बात करने को मैं तो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे आपको मॉक में 2 ही नंबर देना है, तो मैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए बोल दूंगा डायनेमिक एनालिसिस के बारे में बताओ, चलो पुश ओवर एनालिसिस क्या होता है, अभी वर्थ नहीं है ना, ये तो वर्थ नहीं है ना, मीन्स सर कि ये तो आपके मुझे भी नहीं कॉन्फिडेंस, आते वही बोला ना, हैं। वही बोला कि मुझे अगर आपके कॉन्फिडेंस को लूज ही करना है, तो मैं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, मास्टर्स किया है इतना ढेर सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब तो नहीं निकला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आप लोग क्लास में भी अश्विन बोलता था कि 3 जगह से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, एक तो सामने वाले की JD, एक रिज्यूमे अपना जो रिज्यूमे जो आपने लिखा हुआ है उसमें, और एक अपने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और आई थिंक यही 3 जगह से आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे। हाँ तो मेरा मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जैसे कि मैं अगर टॉक बात करूँ उस पर, तो मेरा स्ट्रक्चर और जो टेक्निकल नॉलेज है आपको पता है कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ उसमें, और आपने मुझे कहा भी है इसके लिए कि यू हैव टू इम्प्रूव, लाइक आपको अगर आगे अच्छा कुछ करना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर टेक्निकल नॉलेज। एंड मेरी मॉडलिंग भी एकदम एक्सेप्शनल नहीं है, लाइक हमारे पास दो एक्सेप्शन हैं, ऐसे एक राजेल राजेल का जो बैच में है उसका उसका टेक्निकल एकदम राजेल का खतरनाक है, उसका बहुत अच्छा है, टेक्निकल बहुत अच्छा है, ठीक है। मॉडलिंग हिमांशु, हिमांशु का बहुत लाइक अच्छा वो है, तो गिफ्टेड है, हिमांशु का गिफ्टेड है वो। पॉडकास्ट में लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और एक्चुअली एक चीज़ बताने वाला हूँ अश्विन की, इस मौके थ्रू ही बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जिनका जिनका मॉक हो रहा है, ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, नहीं चाह रहा है कि भी, वो अभी जा रहा है गल्फ में और अभी इंडिया के टॉप MNC में काम कर रहा है, एंड वहाँ पर जो पैकेज लेने जा रहा है वो पैकेज यहाँ के लोगों के लिए ड्रीम होगा, तो उसका भी पॉडकास्ट ला रहा हूँ, सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं स्पेशली उन्हीं का, ठीक है, तो दे कैन बी टॉक विद ईच अदर्स, दे कैन गेट द कनेक्शंस, क्योंकि पॉडकास्ट का वो तो वीडियो तो बनेगा ही, कौन से कंपनी में कौन काम कर रहा है, तो अब क्या हो गया कि किसी को आपको अप्रोच करना है लिंक्डइन से, किसी ने आपको अप्रोच कर लिया, आपको किसी को, जैसे कि अभी एक बच्चा हमारा रैमबॉल में है, आपको रैमबॉल आपके लिए एक मास्टर स्टोन हो सकता है ना, तो नाउ कैन बी टॉक विद ईच अदर्स, तो अभी उसका भी पॉडकास्ट है, तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि लगभग देखते हैं कितना हो सकता है, पॉडकास्ट करके उनका एक ग्रुप तैयार कर देंगे, और उस ग्रुप में लोग एक दूसरे की हेल्प, जैसे वो कम्युनिकेशन वो जो तुमने स्टार्ट किया लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्ट करना, वही कनेक्ट व्हाट्सएप पर करेंगे, और ज़्यादा पर्सनली होगा कि अरे यार चलो
सर के साथ में हम लोगों ने इतना किया, चलो इतना तो कर सकते हैं एक दूसरे को, गिव एंड टेक वाला नेचर। और इसमें हम सबको नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि जो लोग पॉडकास्ट के लिए रेडी है, पॉडकास्ट इन द सेंस आप आए हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको तो गिव हो चुका है, नाउ यू वांट टू सबको कुछ देना चाह रहे हो, राइट? कि सब लोग कुछ ना कुछ सीखें। और आपका स्ट्रेंथ पॉइंट मैं बताता हूँ, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट कम्युनिकेशन था अश्विन, जब आपका मैं मैंने सर उस पर वो बात ही करने वाला देखा था तो कि मुझे बहुत अच्छा मतलब लगा। बताओ। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्शंस जो हमारे क्लास में दो थे, राजल एंड मानशु। मानशु की सर जो मॉडलिंग की, वो और मैं सोचता था कि ऐसा कुछ बने, बट लेकिन नहीं होता है, वो क्रिएटिविटी वो गिफ्टेड है उसके लिए। बहुत ठीक अच्छा बताता है, तो मुझे जब मैं क्लास में रियलाइज होता था कि बैठ के कि अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो राजल मेरे से पहले जनरली होता था उसका इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं देखता था कि यार अगर इसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू का लेवल तो बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि हाँ इतना अच्छा कैंडिडेट गया है तो अगला भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता भी था कि आप इतने खतरनाक क्वेश्चन से पूछ लेते थे कि मेरी बारी स्टार्टिंग फिर खतरनाक सी होती थी, कि आप नहीं बोलते रहे हाँ अश्विन जी इंटरव्यू से होता है, तो आप बताते हाँ अश्विन डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, बताओ डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है, व्हाट आर क्वेरीज, एंड कि आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करते थे जो कि थोड़ा सा इनिशियली एकदम कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा टफ पड़ते थे, बट लेकिन वो काफी पुश किया मुझे कि नहीं नहीं इसके लेवल का कुछ करना है, तो अगर इतना ऊपर हो गया है तो करनी है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ थी, इसमें मतलब वीकनेसेस है, ये तो आइडेंटिफाई करी, स्ट्रेंथ करी कि मेरी रेंडरिंग अच्छी है, मैं जो रेंडर करता हूँ बहुत वो अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। है। तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट तो मैं टॉप क्लास है, मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ उसको, अभी शायद डाल नहीं पाया पर ओके, रखा हूँ मैं उसको, बहुत अच्छा है। रेंडरिंग तो है काफी मतलब ठीक थी, अच्छी तो नहीं बोलना चाहिए कुछ, अच्छा नहीं लगता है। तो रेंडरिंग जो सॉफ्टवेयर मैंने रेंडरिंग के लिए, सर अभी मैं ट्विन मोशन एंड एक अपना जो अनरियल इंजन है वो भी बहुत अच्छा कंपनी से बहुत कहा अच्छा सिखवा रही, मतलब उन्होंने बोला था कि आप जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है वो ट्विन मोशन पर काम करते हैं तो आपको ट्विन मोशन सीखना पड़ेगा। ओके, मुझे बहुत बढ़िया। तो वैसे ही पसंद है रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। हाँ, और वैसे भी वो इनस्केप का अपडेट वर्जन ही तो है, तो आपके लिए तो आसान भी होगा। हाँ इजी है सर, मैंने दो वीडियो में ऑलमोस्ट दो वीडियो देखे थे, मतलब हाँ तो बहुत इजी है, लुमियन और ये काफी सिमिलर है दोनों की। तो मुझे जो आइडेंटिफाई हुई मेरी स्ट्रेंथ की, मैं कम्युनिकेशन पे बेसिस पे कर सकता हूँ खुद की हालात जो, मतलब मैं अगर मैं टेक्निकल में लैग करूंगा या फिर मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग में लैग करूँ, तो मॉडलिंग से प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्रिएटिव सोचोगे, जितना क्रिएटिव थिंकिंग होगी उतना आप मॉडलिंग ठीक कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकल के लिए यू हैव टू गिव द टाइम, और इतना टाइम होता नहीं है जनरली, जैसे आप वर्किंग हो तो आप 3-4 घंटे निकाल के दे नहीं सकते, टेक्निकल रिक्वायर्स टाइम और उसके लिए करेक्ट बहुत प्रैक्टिस लगती है। करेक्ट और राजल क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर चुका है तो उसको काफी अच्छा नॉलेज है इस अच्छा वाले के, नॉलेज, तो उसने काफी नो टाइम डाउट नो लिया डाउट है। नो डाउट। एंड सो मैंने सोचा कि मैं किस बेसिस पे गेम खेल सकता हूँ सारा, तो ले देखे कम्युनिकेशन में। तो जनरली ऐसा होता है कुछ इंटरव्यूज में मेरे खराब भी गए हैं, बट लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से आई गेट द ऑफर लेटर। सडनली आया वो खुद शॉक हो जाता था मैं कि ये कैसे मिल गया है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू तो इतना अच्छा गया नहीं, जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ उसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था। ठीक है, मतलब एक तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और दे आर लुकिंग फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि लीड प्रोफाइल है। ठीक हाँ है, और आई हैव जीरो नॉलेज ऑफ इन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, तो बट स्टिल मैं करेक्ट। काम कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपका फर्स्ट पॉइंट था, बस वो ये चीज़ मैं सबको, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक्चुअली तुम बताओ उनको, एक राइट मैसेज दो उनको कि उनको अगर बी में कह, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं साइट इंजीनियर्स होंगे या फिर जस्ट पास आउट होंगे, अभी इधर उधर गवर्नमेंट वर्नमेंट के लिए लगे होंगे, तो मैं चाहता हूँ तुम मैसेज करो उनको, क्या मैसेज देना चाहोगे, हाउ कैन दे मेक देयर करियर इन बी आई इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री जिसमें वो पैशनेट हो। ओके, सो बिम और जो अपनी वर्चुअल रियलिटी है वो थोड़ी सी थोड़ी को रिलेटिव है, अभी वो थोड़ा थोड़ा एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, एनिमेशन एंड ऑल वो एआई के थ्रू होने लगा है, बट अभी इतना नहीं है, तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to 5 years है टू बिल्ड आवर करियर इन बिम, मतलब इतना ही सर, आराम एक से 10 ईयर तो आराम से। इतना ही होता है, एक इतना ही लाइफ स्पैन होता है किसी टेक्नोलॉजी का, 10 से 1-2 decades ज्यादा से ज्यादा, तो एक बस डेकेड ऑलरेडी जा चुका है बिम का, मतलब ऑलमोस्ट एंड पे है, एंड 1 more decade मे बी, मतलब 7 to 8 years, 7 to 8 years में तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो इन इंडस्ट्री में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अपने को बस इसी इंडस्ट्री में स्टिक रहना है, आप अपग्रेड भी कर सकते हो खुद अपग्रेड को, आगे जा सकते हो, तो मतलब एक पाथ आपको मिल जाएगा कि अगर आपको सिर्फ साइट इंजीनियरिंग नहीं करनी है। मेरे साथ भी सेम ही सीन था, मुझे साइट इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, बिकॉज बहुत हेक्टिक जॉब होती है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ इफेक्ट करता है वो, सब कुछ, हर रूटीन। जैसे अभी जो पुणे में जो केस हुआ सर, वो SCA की जो मतलब सडन डेथ हुई है वो भी उसकी वजह से हुई थी, मतलब वर्क, मतलब वर्कलोड की वजह से। हेक्टिक। हाँ,
मतलब वही साइट इंजीनियर सर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं पूछते उनके करेक्ट। पास आने के बाद। और एक मैंने एक चीज ये और वो देखा, मैंने एक भी चीज और देखा, सुनी मैंने कल ही एक लोग से कम्युनिकेट कर रहा था, ही वाज अ साइट इंजीनियर, और नहीं पास में ही मैंने उनसे ऐसे मुलाकात हुई। थोड़ा ऐसा भी होता है, कहना तो नहीं चाहिए, बट जो माइंड का लेवल है वो भी थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये क्रिटिकल सब थिंकिंग नीचे आ रही है सर, पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाते हैं, मतलब एकदम फाइट होती है वहां पर जनरली। जैसे मैं था साइट इंजीनियर, तो मेरे सीनियर्स की फाइट हो जाती थी जनरली, ये नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, मैं सीनियर हूँ, यू हैव टू डू दिस, जबकि वो गलत बोल रहे होते हैं, बट उनका थिंकिंग इतनी ज्यादा मतलब सराउंडिंग से इफेक्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा करेक्ट हेक्टेक हो जाता है कि वो उनका नेचर ही वैसा हो जाता है, करेक्ट और करेक्ट उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग ही ऐसी है, एनवायरमेंट सराउंडिंग, इन्वायरमेंट का इफेक्ट जाता है, वो इन्वायरमेंट का ही इफेक्ट का जाता है। इफेक्ट है। ठीक है, आगे बोलो। आप मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई अगर पर्सन है जो 18 आवर्स 16 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहा है विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी लंच, सही तो बात, सही उसका बात, मेंटल लेवल क्या ही होगा, वो क्या ही बता सकता है। करेक्ट है। आगे तुम मैसेज कंप्लीट कर दो, नहीं तो लोग सोचेंगे क्वेश्चन तुम्हारा हुआ ही नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ तो मैसेज करो कि व्हाट कैन दे डू एंड हाउ कैन दे मेक देयर कैरियर इंडिया। ओके फॉर बीम लाइक फर्स्ट यू हैव टू थिंक लाइक क्रिएटिव लाइक फॉर मॉडलिंग पर्पज एंड ऑल। तो स्टार्ट ऐसा करेंगे कि आप मतलब अगर आप खुद सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो वो भी अच्छी बात है, वो गाइड कर देते हैं, बस आपको गाइडेंस जो खुद पढ़ोगे, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में रिविट खुद से थोड़ा बहुत किया है, तो आपको एक पाथ नहीं मिलेगा बट आप सीख सकते हो, मतलब हाँ आप डेफिनेटली जो असाइनमेंट्स एंड ऑल मिलते हैं वो आपको उसका प्रेशर नहीं होगा कि नहीं है मुझे टाइम पे कंप्लीट करके देने हैं, तो वो थोड़ा सा प्रेशर जो होता है वो अच्छा हो जाए, अच्छा वो होगा, आपको वर्कलोड जैसा जो कॉर्पोरेट का वर्कलोड है वो सिखा देता है कि नहीं आपकी डेडलाइन है, यू हैव टू गिव योर असाइनमेंट और योर प्रोजेक्ट एंड दी दिस दिस डेट टिल, तब ये करना है आपको, तो वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट का फील स्टार्टिंग में मिल जाता है। अगर आप कुछ सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, मतलब कोई इशू नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो उसमें भी कोई इशू नहीं है। देन यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द बेसिक की, लाइक फॉर मी मैं तो यही बोलूंगा कि कम्युनिकेशन इज द बेसिक की टू ज्वाइन और लाइक बिल्ड इन करियर, बेसिक मतलब इतना कोई हाई लेवल का नहीं चाहिए, मेरी भी टू इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं तो भाई अच्छी है, तो बट हाँ बेसिक से भी काम हो जाता है, अगर आप अपनी बात को रख पा रहे हैं दैट इज आल्सो ओके। हाँ मतलब ऐसा ब्लंडर्स ना करो कि आप हाँ फ्यूचर टेंस सेंटेंस बोलना चाह रहे हो और आप वॉज यूज कर रहे हो, दीज आर द ब्लंडर्स, हाँ आपको बस एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कि कौन से सेंटेंसेस कहाँ यूज होते हैं और उनका फॉर्मल वे बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, यस आपकी पिच वॉइस वगैरह जो इंटरव्यू प्रिपरेशन आप करवाती हैं, ठीक है, देन योर प्रोजेक्ट्स व्हाट यू हैव डन, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में इतनी इजीली विदाउट डूइंग एनी प्रोजेक्ट्स आपको एंट्री नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे, एंड कम्युनिकेशन मॉडलिंग एंड योर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो एंड नॉट ओनली बिल्डिंग द पोर्टफोलियो बट यूर प्रेजेंटिंग योर पोर्टफोलियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। आप तो किसी का भी करेक्ट, उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी बेस्ट आर्किटेक्ट का वर्ल्ड में उसका पोर्टफोलियो अवेलेबल होगा, आप वो उठा के बना सकते हो, बट अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है सो यार आप कॉन्फिडेंस वो नहीं एक्सप्लेन रहेगा, नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। नहीं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे सर, आप मतलब जब आपने वो फीस की नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा कि हाँ ये जो मोल्डिंग दिख रही है ये हाउ यू मेड दिस, तो आपको पता ही नहीं है कि वो केस वर्क से जाके बनेगी या तो फैमिली से जाके बनेगी, तो करेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच अश्विन। वैसे तो हम लोग बात बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आप भी बहुत टॉकेटिव पर्सन है और मैं भी बहुत बातें करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत रोक रोक के रखा, कि क्या होता है जिस प्रोफेशन में रहो उसकी आदत पड़ जाती है ना, तो हमारी प्रोफेशन में तो ज़्यादातर हमें ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट मैं कंट्रोल करके अपने आप को रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपसे बहुत कुछ लोगों ने सीखा होगा डेफिनेटली, जो लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देखे। अगर आपको और कुछ भी क्वेश्चंस है अश्विन से तो हम एक और पॉडकास्ट कर सकते हैं, बट यू नीड टू राइट डाउन द कमेंट्स गाइस कि आपको क्या पूछना है, क्योंकि अभी इंटरव्यू में क्या चाहिए इन्होंने बता दिया कि जो मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ वो 70-80% वो फिक्स है कि वहाँ से काम हो जाएगा। कम्युनिकेशन इन्होंने बता ही दिया कि किस तरीके से, और जो प्रेशर बता रहे हो बहुत अच्छी बताया अश्विन आपने, कि जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैं खुद भी अभी कुछ एजुकेशन ले रहा हूँ, तो जब उसका एग्जामिनेशन आ जाता है तो उसका एक प्रेशर आ जाता है, जल्दी जल्दी उसको पढ़ता हूँ मैं, है ना, तो जब आपके पास कोई पीयर प्रेशर नहीं रहता कि आज ये प्रोजेक्ट करके देना है तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, और वो जैसे मैंने देखा ना कई लोग वीडियो कोर्सेज, मेरे खुद के वीडियो कोर्सेज लिए हुए, बट उसके हिस्ट्री में जाओ तो पता चलता है कि उन्होंने वॉच ही नहीं किए हुए, रीजन वो माइंड पर वो है ही नहीं ना कि करना है और यहाँ तो रोज आना है। वो हाँ यहाँ तो आना है, अगर आपने वो नहीं देखा है हाँ तो आप फिर इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, परफॉर्म जो नहीं कर पाओगे, मॉक्स करेक्ट चलेंगे। है।
तो इसी को ना थोड़ा और अभी हम लोग एडवांस कर रहे हैं सुन, आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं, आई थिंक फर्स्ट टाइम आपको ही बता रहे हैं इसी को, और हम रिवेल एक तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग अभी ना इसको क्या बोलते हैं ऑफलाइन बेसिस पे भी कर रहे हैं, ठीक है, करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके, अक्टूबर से वेरी प्लान गुड, है इसमें, तो इसमें हम एक वर्क कल्चर ऐसा देंगे कि यू नीड टू फिक्स इन दिस टाइम, यहीं पर बैठना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं सेटअप करने के लिए, तो ऐसा लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट सर, नो नो नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स लाइक ऑफिस, ठीक है, यू नीड टू बी ओके, पंच, यू नीड टू बी सीट, जैसे आप कंपनी में जाओगे तो बैठना पड़ेगा ना, अब आपको बैठना ही है, कैमरे के सामने बैठना है, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ओनली योर टाइम, सुबह प्रोजेक्ट मिलेगा, शाम को सबमिट करना ही करना है, हो सकता है कम लोग आए, सर आप लोग मैं ऑफिस आएंगे एनवायरनमेंट लेता हूँ, ठीक ऑफिस है, तो एनवायरनमेंट। इसका इसका आइडिया कैसे लगा, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना, जो जैसे कि आपने बोला कि प्रोजेक्ट को जब करने की वो माइंड सेट रहता है ना, तो वो रहता है, तो इसमें हम ऐसे कुछ कर रहे हैं कि अपने ही कुछ स्टूडेंट्स को हम वहाँ पर एक एज ए लीडर बैठाएंगे वहाँ पर, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली क्लास में पढ़ा सकता हूँ बट मैं सुबह शाम तक बैठ नहीं सकता हूँ, तो जैसे कि आप एक टीम लीडर हो, ठीक है, और मैं भी आपको मैं मैनेजर बनाऊंगा, नो यू नीड टू बी असाइन द प्रोजेक्ट्स टू एवरीवन, एंड आपको सुबह वो अपने प्रोजेक्ट सबमिट दिया हुआ है ना, अब कंप्लीट करके तब घर जाना है, एंड देर इज अ टाइम आवर्स, ठीक है, आप टाइम आवर्स को कंप्लीट करेंगे और उस टाइम आवर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आपका सर्टिफिकेशन होगा, आपको बहुत जल्दी है ना, आज जाओ ठीक कल आके बैठो कंप्लीट करो, इस महीने में इतने घंटे का आपको वर्किंग होगा, तभी आपका ये मैं सर्टिफिकेट भी रिलीज करूंगा, प्लस कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या हो गया कि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि कहीं और मतलब कुछ और सोचना है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें मोबाइल चलाना हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम हो गई कि आपको अंदर आना है, बैठना है, पढ़ना है, वाईफाई लगा है, आपको यूट्यूब पे देखिए पढ़िए, ठीक है, हमसे पूछ के पढ़िए, जो टीम लीडर है आपके उनसे बैठ के पढ़िए, तो कॉर्पोरेट कल्चर तैयार कर रहे हैं हम लोग, मैं और सर बस बोलने वाला था कि यस सर, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा गवर्नमेंट पूरा काइंड ऑफ प्रोवाइड प्रॉपर कॉर्पोरेट में जैसे ही आपको एक जाता केबिन है वहां पे। मिलेगा, इस केबिन में आपको बैठना है, आपके पास एक एलईडी स्क्रीन होगी जिस पर आप सीखोगे, मॉर्निंग में सीखोगे, यू नीड टू गेट द प्रोजेक्ट, आपको फिर प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा, आपका टीएल आपके साथ रहेगा फॉर सपोर्ट, बट टीन स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, जूझो खूब, परेशान हो जाओगे, जब जाने लगोगे रात को तब बता दिया जाएगा इसका आंसर ये है, करो जाओ, तो इस तरीके से करके कल्चर हम लोग तैयार करने का प्लान कर रहे हैं, और लगभग प्लान हो ही चुका है, अक्टूबर से उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और होपफुली कि जैसे तुम लोगों ने गुरुकुल को सक्सेस, गुरुकुल ही है बस उसमें ऐसे किसे ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको ना करने का एक रीजन बताता हूँ अश्विन, कि उसको मैं पहले भी करना चाहता था वो चीज़, बट उससे ना फी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अभी यही सब जगहों पे पूरे दिन बैठाना, और एक स्टाफ को मतलब समझ जाओ कि 10,000 रुपए के नीचे तो मंथली खर्चा नहीं है एक पर्सन का, ये मिनिमम जाता है, और मैं चाहता था, जो मेरा टारगेट था कि एक साइट इंजीनियर जो है वो कैसे इस चीज़ को कर सकता है, तो डेफिनेटली साइट इंजीनियर्स के लिए तो जो ऑनलाइन बैच है वही बेस्ट है, ठीक है, बट जो बच्चे अभी जस्ट तैयारी कर रहे हैं, उनको एंट्री करना है, कहीं जॉब नहीं कर रहे, फिर आप घर पे तैयारी मत करो ना यार, यहाँ करो, टीएल बैठा हुआ है, सपोर्ट लो, ठीक है, काम करो, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर काम करो, तो इसमें हम लोग ऐसे भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमारी एक टीम रहेगी जो कि इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लेके आएगी, और उसी प्रोजेक्ट्स पर आप काम भी करोगे, ठीक है, डेफिनेटली आपका काम उस लायक तुरंत नहीं हो जाएगा कि हम सबमिट कर सके, मेरा टीएल करेगा प्रोजेक्ट्स, बट वो प्रोजेक्ट आपको भी देगा, आप ही करो, उसमें जो करेक्शन रहेगा टीएल रिवीजन करके सबमिट कर देगा, तो इस तरीके से एक वर्किंग कल्चर तैयार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब उसमें मोबाइल हटा देंगे प्रोडक्टिविटी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है, वो होप्स हो कि सक्सेस हो, देखते हैं, बट अक्टूबर से हम लोग इस प्लान को स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार आपके साथ शेयर किया, अभी किसी के साथ शेयर नहीं किया ऐसा ही, तो ये थैंक यू वो सर, प्लेजर माय प्लेजर सर। ओके बहुत अच्छा, तो ये मुझे लगता है आई थिंक ये अच्छा हो जाएगा, जैसे आपने बोला ना, आपकी इस बात से मुझे याद आया, जब आपने बोला कि एक हैट्रिक हो गया भाई, करना ही करना है, नो अब ऑप्शन क्या बचा, तो सर मेरे सबसे साथ भी बड़ी ऐसे होता था, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो टाइम बहुत ज्यादा रहा, तो मैं वो देना ही है कि नहीं मुझे डांट नहीं खानी है, या फिर मुझे सर के हार्श वर्ड नहीं सुनने हैं, कैसे तुमने क्यों नहीं, मतलब आपसे कुछ बोलते नहीं हो बट बोलता है अश्विन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम कंप्लीट कर दोगे, तो वो वर्ड्स नहीं सुनने पड़े, तो मैं रात भर बैठ के वो कंप्लीट करता था कि नहीं मुझे ये नहीं कंप्लीट कुछ तो करना है, ताने में एक मारता घंटा हूँ भले ऑफिस में जाऊंगा। कुछ तो टोन में देता हूँ, वो टोन देना जरूरी होता है कि क्योंकि अगर हम टोन नहीं देंगे तो आपको ना वो प्रेशर ही नहीं रह जाएगा उस चीज़ को, है ना, और जो जिनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो टोन सुनना नहीं चाहते, अच्छी बात है ना, ना सुनो कर करके आ जाओ, हम क्यों सुनाएंगे, हम पागल थोड़ी है, ठीक है, वो कभी को मुझे भी लगता है कि मैं टोन तो दे रहा हूँ, पता नहीं सामने वाला कैसा लेगा, बट लगता है कि यार इनके अच्छे के लिए तो दे रहा हूँ, इसमें कौन सा मेरा कोई सेल्फ तो वो नहीं है ना, और होपफुली कि वो सब लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो जिसको सुनना नहीं हो करके आ जाता है, उसमें से आप भी थे और भी कई लोग थे, नाम नहीं लेंगे क्योंकि कई लोग सोचेंगे अरे सर ने मेरी बड़ाई नहीं की, बट मुझे अच्छा लगा कि आपने सक्सेस गेन किया और साथ साथ 8-8 सिलेक्शन लिया, होपफुली आप आगे और अच्छा करो अश्विन, और जैसे आपने अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है,
ठीक है, मुझे एक दो बार आपके सिचुएशन मुझे पता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पैर पे खड़े हो। मैं खुद भी अपने घर का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही बोल सकते हो, बड़ा लड़का ही रिस्पॉन्सिबल ही होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। सेम ठीक मेरा है, तो उसको लड़का व्हेन आई वाज जस्ट 21, तब से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक वो कह सकते हो, मैं 21 से जॉब कर रहा हूँ एंड अभी तो लगभग 10 साल हो करता है, गए सर। आई एम 22 ऑलमोस्ट। नाउ और आई एम तुम ट्वेंटी टू? रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, मैं 21 से जॉब कर रहा हूँ और अभी तो 30 डिकेट, मतलब 3 डिकेट मेरे हो गए, ऊपर जा रहा हूँ, बट अच्छा रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं आगे बढ़ा, और होप सो कि तुम भी हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो से होनी चाहिए। पीयर प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बहुत पुश पुश करता करती हैं है, काफी। बहुत पुश करता है और आपको ना गलत रास्ते से हमेशा खींचता है, गलत रास्ते से आप रुक जाते, भाई कैसे जाऊँ इसमें। ठीक है, जब मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि यार तुम पांडे कोई पार्टी वोटी नहीं करते हो, वीकली हम लोग के साथ आया करो, थोड़ा इंजॉय किया करो, और 12,000 की सैलरी गया मैं उनके साथ, मैंने कहा ठीक है दोस्त है तो थोड़ा तो मानना पड़ेगा, तो गया मैं उस वहाँ पर दिन, मतलब कि इवनिंग में गया तो वो लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे और लगभग जो कंट्री आई मेरी लगभग 800 रुपये की आई, और फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक फिर से बोला, मैं कहा इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि 12,000 में 800 कट जाता है तो सिर्फ 11,200 रुपये होते हैं, अब इसकी मैं जब 6,000 में रेंट दे दूंगा और खाने पीने का बचेगा क्या, घर क्या भेजूंगा। ऑलमोस्ट सर 10% चला गया एक वीक में सैलरी हाँ, और उनका का। कहना था कि हर वीक करो, मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई शायद दोस्ती अगर प्यारी होगी तो ऐसे ही समझ लोगे, और क्या बोलते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये बुनने बुराई नहीं है कुछ, सीधी सीधी बात भाई, 12,000 में इतना अगर मैं 4 घंटे पार्टी का, तो ये कौन रोका, मेरे सिचुएशन ने रोका, अदरवाइज मैं उनके साथ जाता, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप समझते हो, फिर वो बोलते कि थोड़ा दवाई भी ले लो, दवाई लेने के बाद और बिल बढ़ता, ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि नाच गाने में भी आप पार्टिसिपेट करो, समझ रहे हो, तो वो एक लत जो होती खराब वाली बहुत आदमी आसानी से लग सकती थी, बट सिचुएशन ने कहा नहीं तुम्हारी ये वो काम के लिए तुम बने नहीं हो, यू नीड टू डू समथिंग बिगर, और आई थिंक इस चीज़ को पे आप भी को रिलेट कर पा रहे हो कि जब बहुत से रास्ते आते हैं बट लगता है नहीं नहीं यहाँ अपने को नहीं जाना है, और एक लास्ट में मैं हाँ तुम्हें बस कहूँगा कि जो भी तुम कर रहे हो उसमें थोड़ी सी, जब मैं क्लास में तुमको बताया था, सेविंग्स करना स्टार्ट करो, ठीक है, कि एक वो अच्छा ठीक है हर मंथ ट्रेड सेविंग मैं इतना पाता ही हूँ, ठीक है, तो बस इतना जब पाता हूँ दूसरा उसी बात है आगे का जो है वो सेव है, ठीक है, इट मे बी 500 ओनली, इट मे बी 1,000 ओनली, बट उसको सेव कर लो, ये बहुत अच्छा है। ठीक, अब तो ये तो मैंने बोला, अब तुम बोलो कि हम गुरुकुल में और क्या कर सकते हैं, कुछ और अपग्रेड करने के लिए बताओ। सर, जो आप कर रहे हैं जो स्टार्टिंग, वही इनपुट्स मेरे वही थे कि नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं सही हेलो, है सही है सही है, तो जो आपने मतलब ऑफलाइन का स्टार्ट किया है वो बढ़िया थिंग है, मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट का फील आ जाएगा। एंड एक जो मैंने आपको क्लास लगाया, तो मुझे प्रोजेक्ट मिला, देन उसके बेसिस पे एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन हुए थे वो थोड़ा सा एक चीज वो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं मैं कि उस पे कर रहा हूँ वर्क। प्रोजेक्ट। हाँ, वो मतलब रदर देन गिविंग दी मतलब सारे सारे सेम क्वेश्चंस से ज्यादा अच्छा कि एक प्रोजेक्ट उन्हीं से कंप्लीट करवाएं, ठीक है, फिर उसी प्रोजेक्ट पे एक कोई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा होगा उसको स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट लेके उस पे क्वेश्चंस, मतलब आपको मैं फाइल प्रोवाइड करूंगा सभी को, यू हैव टू गो थ्रू ऑन दिस फाइल, आप सब कुछ देखे, उसमें शेड्यूलिंग होगी, इसमें विंडो शेड्यूल होगा, उसमें वीमार जो भी मतलब वट एवर द प्रोजेक्ट इज, एंड उस पे फिर क्वेश्चंस। जब मुझे वो दो तीन मतलब मेरे लिए मतलब एक चैलेंजेस था, जैसे वो एक बॉट इंटरव्यू एंड एक ये वाला इंटरव्यू मैंने बताया, तो जो क्वेश्चन का टेस्ट था, एक टेस्ट था जो मोबाइल हाउस वाला था, जिसमें मैं जिसकी वजह से मैं अभी इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, बहुत अच्छा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला, वो मोबाइल हाउस से काफी हेक्टिक था वो करना, कंप्लीट करना। नहीं तो जिस कैट मेन प्रोजेक्ट्स पे, और ये तो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा 100%, ये बहुत अच्छा था, वो मैंने बताया भी कि मैं उसी के हिसाब से आज क्वेश्चन सेट कर रहा था कि ऐसा कुछ किया जाए, और डेफिनेटली टाइम लगे, बट ये कैसे ना एडॉप्ट करना बहुत अच्छी हैबिट होती है, जैसे तुमने बोला ना उस दिन, तुमने मुझे बोला था ना, तब से मेरे दिमाग में चल रहा है यार इसको कैसे बनाऊँ, अच्छा इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, वो मेरे दिमाग में चल ही चल रहा है एकदम से, मतलब वो ऐसे करके, और आई थिंक वही ग्रोथ का वो है ना लर्निंग, मैं तो कभी बोलता नहीं मैं परफेक्ट हूँ या फिर सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बता पाऊँ, कोई मैं गूगल नहीं हूँ, स्वाभाविक सी बात है आज के टाइम में गूगल एक मेरे से अच्छा टीचर हो सकता है आंसर बताने में, बट आंसर बताना कैसे, शायद मैं गूगल से अच्छा हो सकता हूँ,
क्योंकि वो इजी किया जा सकता है। एंड होप्स यू गाइस ने ये पॉडकास्ट सुन के काफ़ी कुछ लर्निंग लिया होगा। कुछ भी आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करिए। हम लोग कोई यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे थे, एक जस्ट जनरल कन्वर्सेशन कर रहे थे आपके हित के लिए, कि जो आपके लिए बेहतर हो, आपके कैरियर के लिए बेहतर हो। आप इम्प्लीमेंट करोगे तो मच बेटर, नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट कर देना कि सर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब तुमको बुरा लगेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। एंड अश्विन, कुछ आप मैसेज देना चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पर नमस्ते करते हैं। ठीक है भाई? नहीं सर, मुझे लगता है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मतलब अगर ये चीजें फॉलो कर लेता है कोई भी तो दे विल स्टार्ट देयर करियर इन में। एंड मैंने तो मतलब मेरा पाथ तो यही था, मैंने यही फॉलो किया, थोड़ा सा डेप्थ में किया चीजें। मतलब वही तो मैंने आपको टू हाँ, द सरफेस बताई, बट उसके पीछे की प्रॉब्लम्स जो फेस यस की, यस कैसे करते यस हैं, ईमेल्स लिखना, अप्रोच करना, वो प्रोसेस पे नहीं जाते हुए, डेफिनेटली हाँ पाथ मैंने यही सिमिलर फॉलो ये किया। कोई चाहे तो हम लोग कर एंड सकते हैं, कि अगर कोई चाह रहा है कि हाउ कैन आई डू, हाँ, तो ये हम मैंने फॉलो कर आपको सकते एक डायरेक्शन जो आपने मुझे बताई थी उसको मैंने मेरी अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज करके, जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड बताया, ठीक करेक्ट है? आप स्टैंडर्ड बता दो कि हाँ ये सब पे वर्क करता है, बट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली कैसा है वो आपको ही इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, ठीक करेक्ट है? करेक्ट जैसे आप टेक्निकल क्वेश्चन थे, वो मैं मुझे पता है कि मैं इतने ज्यादा टेक्निकल आंसर्स कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है? इस स्टेज पे अभी करंट, मतलब करेक्ट आज से 5 से 2 साल 3 साल बाद तो ऑब्वियसली मैं कोई भी, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो कर पाऊंगा, करेक्ट बट करेक्ट इस स्टेज में मुझे पता है कि मैं इतना ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, ठीक है? उसके बाद में क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स इतने खतरनाक देते हो कि वो बनाने में अलग तरह होती है, ठीक हाँ, है? समय बहुत जाता मैंने है। मेरा गाइस, मैंने मेरा हर प्रोजेक्ट एक दिन लेट सबमिट किया है, रोज सर से डांट खाता था कि अश्विन व्हाट इज दिस, तो सर बोल रहा सर मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम था, लेकिन थोड़े से बहाने वहाने यहाँ से दे देंगे उसमें कुछ मिला के कंप्लीट कर फायदा भी करके। होता था कि पीयर प्रेशर हो जाते थे प्रोजेक्ट्स। अदरवाइज क्या होता है कि इसमें देखो, सॉफ्टवेयर सबके पास है, बिलीव करो आज के टाइम में कंटेंट क्या यूट्यूब पे नहीं है, बहुत कंटेंट है, बट एक बिना मेंटरशिप के लोगों को लगता है अरे हो गया, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। वही होता है ना कि डॉक्टर के पास कितने लोग जा रहे हैं जबकि जिम खाली पड़े हुए हैं। तो मतलब क्या है, सबको पता है कि जहाँ जाएंगे तो फिट रहेंगे, बट एक पीयर प्रेशर नहीं रहता है। जिस दिन लोगों को शुगर हो जाता है, मैं देखता हूँ रोज वॉक करने लगते हैं, ठीक है? उसके पहले सर दिस थिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट टू, दिस थिंग यू हैव तक टू यस इम्प्लीमेंट यस टू। यस यस ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने वैसे डाइट पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, और एक्चुअली जो मुझे बीच में, मैं बोला था ना मेरी तबीयत खराब हो जा रही थी, उसमें मैंने देखा तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मैं शायद मुझे कुछ ग्लूटोन की प्रॉब्लम थी। मैं अभी लगभग 10 दिन से मैंने चपाती नहीं खाई, रोटी नहीं खाई, ठीक है? तो ओके, मैं ग्लूटेन वही, ग्लूटेन इशू, हाँ यस यस ग्लूटेन रिलेशन इशू, हाँ वो वो इशू है। होता है। तो मैंने अभी तक मैं आटे के कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, आटा मैदा मेरा एकदम से स्टॉप है। अभी मैं बेसन की रोटियाँ खा रहा हूँ, ठीक है, और ज्वार की खा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके जब मैं उसको छोड़ के बाकी चीज़ें खा रहा हूँ ना, तो मैं फिट हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब फिट मतलब हो सकता है मेरी बॉडी को, जैसे बोला ना, बॉडी को सूट नहीं कर रहा था, जिससे मैंने बंद किया वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मे भी अभी जैसे मैं खाता हूँ, जैसे आशीर्वाद वगैरह का आटा है, तो वही तो मार्केट में मिलता है, तो मे भी उसके प्रिजर्वेटिव्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो मुझे सूट ना कर रहा हो, तो जिसकी वजह से मैं बीच में तो बहुत स्ट्रगल किया, और इतना कि मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब आपको बार बार बाथरूम जाना पड़े। एक दिन में 20-20 बार मैं गया हूँ, और उसमें भी मेरे पास पर्याप्त काम हो, तो एकदम मतलब कि माइंड का लेवल जो ख़त्म हो जाने लगता है। बट वो फाइंड आउट हुआ कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, टचवुड अभी वर्क कर रहा है, एक डॉक्टर ने बताया बेसिकली, बोला कि मे बी आप इसको ट्राई करिए तो ये हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अश्विन समय देने के लिए पहले तो, और क्या बोलते हैं अभी, माय ठीक प्लेजर सर, ठीक है, अगर वो लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग को एक और पॉडकास्ट करेंगे, और होप्स हो कि डेफिनेटली सर, जल्दी जल्दी डेफिनेटली, करेंगे उतना जल्दी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच अश्विन। एंड अश्विन को अगर कोई कांटेक्ट करना थैंक यू चाहे सर, तो इनका लिंक्डइन आईडी मैं दे देता हूँ, आप इनसे कनेक्ट भी बना सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बट क्वेश्चन का आंसर मिलने में समय लगता है, क्योंकि उनको पहला अपना जॉब है, तो आपको समय लगता है, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो कई लोग सोचते हैं ना कि एक दिन वैसे में, मैं बोलता नहीं हूं, बट अगर आपने बोल दिया है तो ठीक है, नहीं सेंड कर सकते मुझे हैं, मुझे ये चीज, मतलब जल्दी मिल जाएगा आपको आंसर। हाँ नहीं मतलब मुझे कैसे है ना, एक दिन मुझे एक लड़का बोलता है कि सर वो लड़के का आपने नाम दिया था, मैंने उनको चैट किया, अब वो रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने बोला यार पहले इंसान अपना काम करेगा, ठीक है? मैं ही अगर अश्विन, तो अभी कैसे कि आई बिलीव करो, परसों का कॉल मैंने आज बैक कॉल किया है, परसों का कॉल तुमसे बात करते करते 4 कॉल आए मुझे। अब ये बताओ मैं अगर कॉल पे बात करूँ अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, तो अब परसों का कॉल मैंने आज दिया, बुराई थोड़ी है भाई, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तभी रिप्लाई करूंगा, तुम जानते हो मैं खुद डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है जैसे, तो है ना?
तो इसलिए लोग आप लोग समय ले सकते हैं और लिंक्डइन पर एक दूसरे से कनेक्ट करिए। अच्छी चीज है, किससे कनेक्ट होंगे, कुछ आपके जूनियर होंगे आप उनको गाइड करोगे, कुछ आपके सीनियर होंगे जिससे आप सीखोगे। इट इज लाइक गिव एंड टेक, ठीक है। और सर, मैं एक छोटी सी क्लिप, बोलो। मतलब जो हैक है काइंड ऑफ, प्लीज डू यू यूज लिंक्डइन रदर देन स्क्रॉलिंग डाउन द रील्स एंड इंस्टाग्राम। स्टॉप डूइंग दिस एंड स्विच योर थिंग इन लिंक्डइन। मतलब मैं और मेरे जो फ्रेंड है, हम जो कलीग्स हैं, हम दोनों, मतलब अगर कुछ टाइम मिला ना तो अभी हमारी आदत पड़ गई, हम लिंक्डइन खोल के एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं कि हाँ कुछ नया आया है या फिर कुछ चल रहा है ऐसे ही। मतलब जो जनरल थॉट्स अपन इसमें पढ़ते हैं इंस्टाग्राम पे, वो हम लिंक्डइन पे पढ़ते हैं बट कि हाँ ये आज जो जॉब प्रोफाइल आई है, अभी थोड़ा माइंड जॉब वाला हो गया, हाँ ये जॉब प्रोफाइल आज है ऐसा है ये है। बट भले ही अप्लाई नहीं करो, मतलब वैसे मुझे जो हैबिट है मैं डेली अप्लाई करता हूँ। इसके पीछे मुझे फोन भी आए थे जो अभी 2-3 HR से, तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गए थे कि यार सर आप अभी 1 month पहले आपने जॉब करी है ज्वाइन, फिर आपने अप्लाई क्यों किया है, तो आप नहीं, मैंने इसको कैसे रिप्लेस किया सुन, क्योंकि देखो रील्स तो देखो कैसे कोई बच नहीं सकता आज के टाइम पे। तो मैंने इस चीज़ को कैसे अप्लाई किया कि मैंने ये फिक्स कर लिया है कि मुझे सोशल मीडिया चलाना है लैपटॉप पर चलाना है। तो मैं अब कैसे होता है सुन, लैपटॉप पर मैं कब तक बैठूंगा, ऑलरेडी 9 से 10 घंटे की मेरी सीटिंग है जो कि क्लास की है, अब बैठना नहीं जाता। अच्छा बैठूंगा नहीं तो मैंने नियम बना रखा है कि देखूंगा नहीं, तो अब यहाँ पर फेसबुक चलाऊंगा अभी तो 5-6 मिनट के बाद लगेगा, बस करो यार चलो आराम करते, थक चुके ऑलरेडी। कुछ अपने एनर्जी को रिप्लेस करना चाहिए, मतलब कि अगर रील से लिंक्डइन पे जा रहे हो तो क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया अभी, तो ये बेहतर चीज हो सकता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अश्विन, मुझे बहुत मजा आया। मुझे पता था अपना पॉडकास्ट बहुत लंबा जाने वाला है, अभी और लंबा जा सकता है, बट लोगों का पेशेंस जो है वो उतना वो नहीं रह जाता है, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे इसको और अभी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करेंगे, ठीक है अश्विन। ओके, मे बी अभी देखिए अश्विन का नेटवर्क भी हो गया है, बट गाइस आप लोग को ये पॉडकास्ट होप सो बहुत इफेक्टिव लगा हो, कम्युनिकेट करके नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हमें और पॉडकास्ट करने चाहिए। अश्विन बी इंजीनियर थे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या हम किसी बी मॉडलर से भी आपका कन्वर्सेशन कराएं, किसी बी कोऑर्डिनेटर से भी कराएं, आप जैसे जैसे कमेंट करोगे हम लोग उस हिसाब से करेंगे और होपफुली कि ये बहुत बड़ा सा हो। और कोई और कॉन्टेक्ट करना चाहता है कि सर मैं आपके साथ पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ, लोगों को कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ नीचे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया, आप बिना किसी हेजिटेशन के कॉल करिए, हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत थैंक यू अश्विन को, जिन्होंने खूब अच्छे से समय दे के, अपने समय को दे के बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया इन्होंने, ठीक है। अश्विन आपका नेटवर्क हो गया था तो मुझे लगा, हाँ सर, वो ओके सडनली एक कॉल आया तो पूरा स्क्रीन हट गया था, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, मतलब हो गया था, मतलब कम्युनिकेशन हम लोग का, वही मैंने बोला कि अश्विन को भी थैंक यू हम लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो आपका 4 महीने का एक्सपीरियंस था उसको जो क्रीम था वो शेयर किया है यहाँ पर, वो क्रीम अगर लोग समझ सके उस चीज़ की वैल्यू तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कहते हैं ना कि मतलब किताबें पढ़ोगे तो किसी की जिंदगी को एक किताब में पढ़ लिया, मतलब कुछ घंटों में पूरा उनका लाइफ समझ लिया, तो ये कुछ ऐसा 50 years 50 years उसने किया है, वो आपको मे बी शायद 2 दिन में कंप्लीट हो हाँ जाए। हाँ हाँ कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या बोलते हैं हम लोग क्या सीखेंगे 4 महीने में, बोलता हूँ भाई 10 साल सीखोगे, ठीक है, इस 4 महीने में आप 10 साल सीखोगे, जो मैंने 10 साल कहाँ कहाँ संघर्ष किया। तुम लोग देखते हो क्लास में जनरल को अपना स्ट्रगल बताता ही हूँ, स्ट्रगल बताने का उद्देश्य बस इतना सा रहता है कि आप को रिलेट कर पाओ कि जब ये इंसान कर सकता है, अंडर मैंगोट्री से पढ़ा हुआ लड़का अगर इंग्लिश में बात कर सकता है तो हम तो बड़े अच्छे 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 स्कूलों से पढ़े हुए क्यों नहीं हम कर सकते, है ना। तो 10 साल जो है वो निचोड़ करके मिल जाता है हम लोग को। और ठीक है सुनिए, इतना ही रखा जाए, आगे हम लोग होप्सफुली के नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जल्दी करें। हाँ ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर, ओके।